उत्तर प्रदेश के अमरोहा में रोडवेज की बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दो कांवड़ियों की मौत हो गई। मामला अमरोहा के डिडौली थाना क्षेत्र का है, जहां दो कांवड़िया ब्रजघाट से जल लेकर अपनी मोटरसाइकिल से मुरादाबाद जा रहे थे, तभी रोडवेज बस ने दोनों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए और रोडवेज बसों में तोड़फोड़ करने लगे। गुस्साई भीड़ ने नेशनल हाईवे 9 को जाम कर दिया। लोगों ने करीब 7 रोडवेज बसों में तोड़फोड़ की है, जबकि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया। पुलिस ने मामले की जांच की बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क हादसे में दो कांवड़ियों की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। अगर आप भी उत्तराखंड के हिल स्टेशन औली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सोच समझ कर बनाएं, क्योंकि विश्व की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक औली में सन्नाटा पसरा है। कारण है यहाँ तक पहुँचने वाली मुख्य सड़क, जिस पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। जोशी मठ से औली 16 किलोमीटर के दायरे में आता है और पूरी 16 किलोमीटर की सड़क बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील है, जिस पर गाड़ी चलाना किसी खतरे से खाली नहीं है। चारों धामों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्री भी यात्रा के बाद इस जन्नत की सैर करने के लिए भी पहुँचते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। दूर दूर तक पर्यटक नजर नहीं आ रहे। सड़क की खस्ता हालत की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पर्यटकों की वजह से चलने वाली दुकानें नुकसान में चल रही हैं। लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़क की मरम्मत करने की मांग की है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व की सबसे खूबसूरत जगह औली में, जिस औली को देखने के लिए देशी और विदेशी पर्यटक हर साल दौड़े दौड़े चले आते हैं। आपको बता दें कि औली इस वक्त पर्यटकों से गुलजार नहीं है, बल्कि औली में काफ़ी सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों की माने तो कारण है मुख्य सड़क का, जो सड़क पूरी तरह से यहां पर बाधित पड़ी हुई है। जगह जगह बड़े बड़े जानलेवा गड्ढे मुख्य सड़क पर दिखाई देते हैं, जिस कारण यहां पर पर्यटकों को आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सामने जीयर कार देख सकते हैं, किस तरह जीयर कार में सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। जबकि ये इस समय पर यहाँ पर काफ़ी पर्यटक मौजूद रहते थे और औली का दीदार करने के लिए पहुँचते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। औली इस वक्त पर्यटकों से गुलजार नहीं, बल्कि औली इस वक्त सूना सूना नजर आ रहा है। एक ओर जहां राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान हुआ, वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया अभी भी जारी है। उपराष्ट्रपति कैंडिडेट जगदीप धनखड़ ने नामांकन भरा। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के बाद जगदीप धनखड़ ने अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं एक किसान के घर पैदा हुआ और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आज किसान का बेटा उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना है। किसान के घर में पैदा हुआ, तात्कालिक हालात देखे, पढ़ने के लिए छठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूँ कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया। एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को बनाया गया है। वहीं विपक्ष की उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा को उतारा गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को वोटिंग होनी है। पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में तीसरा मैच जीतकर अपने नाम कर लिया। जीत में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का अहम योगदान रहा। उन्होंने अपनी बेखौफ पारी से इंग्लैंड के मुंह से जीत छीन ली। 260 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने एक समय 72 रन पर 4 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद पंत ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई। पांड्या 71 रन बनाकर आउट हुए, वहीं पंत ने नाबाद 125 रन की पारी खेली। भारत के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री ने
पंत की पारी की प्रशंसा की। शास्त्री ने कहा कि वह वैश्विक क्रिकेट के लिए महान खिलाड़ी है, उनके पास सभी प्रारूपों में लोगों का मनोरंजन करने की क्षमता है। इस पारी के साथ पंत ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। वह एशिया के बाहर वनडे में शतक लगाने वाली तीसरे विकेट कीपर बल्लेबाज है। इसके साथ ही पंत विदेशी जमीन पर तीनों फॉर्मेट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज भी बन गए हैं। श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने तत्काल प्रभाव से श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति पद के लिए 20 जुलाई को चुनाव होना है। राष्ट्रपति के लिए चार नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें रानिल विक्रमसिंघे, विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा, मार्क्सवादी जेवीपी नेता अनुराग कुमार दिसानायके और एसएलपीपी से अलग हुए दुलस अलहप्पारुमा के नाम शामिल हैं। श्रीलंका में 1978 के बाद से पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव सांसदों द्वारा गुप्त वोटिंग के जरिए किया जाएगा, न कि जनादेश के माध्यम से। इस द्वीपीय देश में 1978 के बाद से संसद ने कभी भी राष्ट्रपति के चयन के लिए मतदान नहीं किया है। 1982, 1988, 1994, 1999, 2005, 2010, 2015 और 2019 में राष्ट्रपति का चयन जनादेश के माध्यम से हुआ था। पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षा के देश से भागने के बाद विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। इसके बाद आपातकाल हटा दिया गया था, लेकिन अब एक सप्ताह में दूसरी बार आपातकाल श्रीलंका में लागू करना पड़ा है। श्रीलंका में आपातकाल लागू करने वाला 17 जुलाई का सरकारी गजट सोमवार यानी 18 जुलाई को सुबह जारी किया गया। श्रीलंका में जन आंदोलन के 101 दिन पूरे हो चुके हैं। सरकार विरोधी प्रदर्शन 9 अप्रैल के बाद से लगातार जारी हैं और देश में लगातार अराजकता बढ़ती जा रही है। उधर श्रीलंका से भागकर सिंगापुर में शरण लेने वाले पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा की मुसीबतें बढ़ रही हैं। सिंगापुर प्रशासन ने राजपक्षा से देश छोड़कर जाने के लिए कहा है। सिंगापुर प्रशासन की ओर से कहा गया है कि उन्हें सिंगापुर में रहने के लिए मिली 15 दिन की छूट को और नहीं बढ़ाया जा सकता। राष्ट्रपति पद के लिए मतदान के बाद अब 21 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी नजर आता है। दरअसल एनडीए ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल और ओडिशा से ताल्लुक रखने वाली आदिवासी महिला नेता द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। 20 जून साल 1958 में संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर स्थित रमा देवी महिला कॉलेज से बीए की पढ़ाई पूरी की। मुर्मू ने 1997 में राय रंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के तौर पर अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। फिर साल 2000 और 2004 में द्रौपदी मुर्मू बीजेपी के टिकट पर राय रंगपुर सीट से विधायक चुनी गई थी। ओडिशा में बीजेडी और बीजेपी गठबंधन सरकार में द्रौपदी मंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने 2000 से लेकर 2004 तक राज्य के वाणिज्य और परिवहन, मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग के मंत्री का पद संभाला। साल 2007 में द्रौपदी को ओडिशा विधानसभा के बेस्ट एमएलए ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की ऐसी पहली राज्यपाल थीं जिन्होंने राज्य के गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। मुर्मू ने 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss an update.